My name is Dr. Soumya Iqtidar and I'm currently heading the North Medical Unit in King Edward Medical University. I'm also the Secretary General for Pakistan Society of Internal Medicine. डायबिटीज़ एक एपिडेमिक की तरह पूरी दुनिया में फैल रही है और पाकिस्तान उन टॉप 3 कंट्रीज़ में है जहां डायबिटीज़ की शराब बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 33 मिलियन पीपल यानी 1 in every 4 इंडिविजुअल्स इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ और ज़ियाबीतस का मर्ज़ हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की भी है जो बिल्कुल डायबिटीज़ के दुराहे पर खड़े हैं, यानी उनको अभी डायबिटीज़ डायग्नोज तो नहीं हुई लेकिन उनके लेवल्स उस रेंज में हैं जिसे हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल्स कहते हैं या प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर आपकी ब्लड शुगर नाश्ते से पहले वाली फास्टिंग 126 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो आपको ज़ियाबीतस का मर्ज़ लेबल कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप 100 से 125 की रेंज में है तो ये भी ख़तरे की घंटी है, क्योंकि ये वो इम्पेयर्ड रेंज है जो प्री डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बनाती है। इसी तरह अगर आपके खाने के बाद की शुगर 200 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक है, लेकिन 140 से 199 के लेवल्स भी रेड फ्लैग हैं कि आपको ज़ियाबीतस होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एक और मेजर जो हम यूज़ करते हैं वो HbA1c है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c एक ऐसा लेवल है जो 3 months की एवरेज शुगर को बताता है। अगर इसकी वैल्यू 5.7 से 6.4 के दरमियान है तो अगेन ये प्री डायबिटिक रेंज है और ख़तरे की घंटी है। अगर 6.5 से ज़्यादा HbA1c का लेवल है तो आपको ज़ियाबीतस का मर्ज़ लाहक है और आपको इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। सो प्री डायबिटीज़ एक बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न है बिकॉज़ ज़ियाबीतस में कई दफ़ा अलामात देर से आती हैं और लोग अपना टेस्ट ही नहीं कराते और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के मर्ज़ का मिलाहक हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए, और वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है यानी कि जिनके वालिदैन को शुगर है, बहन भाइयों को शुगर है, उन्हें हाई रिस्क ग्रुप कहा जाता है, इनको अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट करानी चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जिनका BMI ज़्यादा है, वो भी हाई रिस्क ग्रुप हैं। वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, मैं हमेशा कहती हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर बहन भाई हैं, उन लोगों में भी ज़ियाबीतस टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा आम पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा है और उन्हें अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कभी खातून हैं आप और आपको हमल के दौरान ज़ियाबीतस हुई है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं तो भी आप हाई रिस्क हैं और आपको अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। अब स्क्रीनिंग के मुतल्लिक पहले ये कहा जाता था कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये देर से उम्र में आती है, यानी 40-45 साल के बाद ये मर्ज़ लाहक होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा है कि बहुत सारे यंग लोग इवन इन 30s और 20s भी शुगर टाइप 2 से मुतासर हो रहे हैं और पाकिस्तान में इनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो हमें अब जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए अर्ली स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। अगर आपकी उम्र 35 ईयर्स से ज़्यादा है और आप में कोई भी वो रिस्क फैक्टर जो मैंने बताया, यानी कि ख़ानदान में शुगर है, मोटापे का शिकार है, ब्लड प्रेशर है, या आपको पहले खातून हैं और हमल के दौरान डायबिटीज़ हुई है, तो आपको ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग 35 ईयर्स के बाद करानी चाहिए। अब इसके बाद जब आप स्क्रीन कराते हैं, अगर आपके लेवल्स इम्पेयर्ड रेंज में आ जाते हैं, यानी कि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 100 से 125 के दौरान है, आपकी खाने के बाद की शुगर 140 से 199 के दौरान के दरमियान है और आपकी HbA1c की रेंज बिटवीन 5.7 टू 6.4 है, तो आपको प्री डायबिटीज़ है। और प्री डायबिटीज़ ऐसे ही है जैसे कुछ महीनों में या कुछ हफ़्तों में आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है, लेकिन इसके साथ गुड न्यूज़ ये है कि आप डिले कर सकते हैं कुछ इंटरवेंशंस करके कि आपको ज़ियाबीतस का मर्ज़ ना हो। और अगर आपने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चेंजेस की और अपनी डाइट का ख्याल रखा तो आप इस मोर रिमिशन में भी लेके जा सकते हैं, यानी वापस भी लेके जा सकते हैं। और इसका हल बहुत सादा है, हल इस तरह सादा है कि ये वो तमाम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि स्क्रीनिंग के बाद अगर आप इस रेंज में हैं तो अपनी लाइफ में कुछ एक्टिव चीज़ें अपनाइए। वॉक कीजिए कम से कम 150 मिनट्स इन अ वीक, यानी 30 मिनट
हफ्ते में 5 दफ़ा वॉक या एक्सरसाइज की रूटीन को अपनाइए। अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल को, मीठी चीज़ों के इस्तेमाल को, रिफाइंड शुगर्स को कम से कम, प्रोसेस फूड को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अपने ब्लड प्रेशर पर भी नज़र रखिए और वेट कम करें। अगर आप 5 से 7% तक वेट कम कर लें तो आप बहुत हद तक प्री डायबिटीज़ को शिकस्त दे सकते हैं। सो जानिए आपके ब्लड शुगर लेवल्स कैसे हैं, बिकॉज इट्स टाइम टू एक्ट नाउ बिफोर इट इज़ टू लेट एंड यू आर डायग्नोज विद टाइप 2 डायबिटीज़। थैंक यू।